राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने आपदा से घटी घटना से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग दिया। राजमहल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महासिंहपुर पंचायत के सखी बगीचा गांव में राजमहल क्षेत्र के विधायक अनंत कुमार ओझा के द्वारा आपदा से घटी घटना से पीड़ित परिवारों को मिलकर घटना के बारे में जानकारी दी, साथ ही पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहयोग किया एवं कहा कि अचानक आई आपदा से एक ही गांव के चार महिला की एक साथ मौत से पूरे गांव समाज में शोकाकुल एवं मातम छा गया है। वहीं आपदा विभाग से आपदा पीड़ित परिवारों के लिए 4 लाख रुपए का मदद हो सका, इसके लिए अंचल निरीक्षक एवं कर्मचारी को जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाकर जमा करने का निर्देश दिया गया, जिससे उपायुक्त के माध्यम से पीड़ित परिवारों को लाभ मिल सके, साथ ही सरकार के द्वारा सभी लाभ जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर राजस मंडल कार्तिक शाह, सागर मंडल अजय चौधरी, सोनेलाल ठाकुर, सूर्यदेव महतो, राजकुमार शाह सहित अन्य उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए साहिबगंज ब्यूरो, दीपक देशमुख की रिपोर्ट। कुछ जरूरत पड़ेगा ठीक है ना, फिर हम आगे करते हैं, जो व्यवस्था है उसको व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, चिंता नहीं करना आप लोग, अभी पति आए हैं, घर परिवार को संभालना है आपको। यह एक हृदय विदारक घटना है और इस घटना ने सबको बर्बाद किया है। आप देख रहे हैं कि पूरे गांव समाज टोला के सभी लोग इस अचानक आई आपदा से लोग सब लोग दुखी है, सबके मन में भाव है और इसीलिए हमने अभी व्यक्तिगत स्तर पर हमारे जो बंधुगण हैं, पार्टी के बंधुगण हैं, सब लोग मिलकर के इस दुख घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। व्यक्तिगत स्तर पर कुछ आर्थिक मदद हम लोगों ने किया है ताकि तत्काल उस परिवार को सहारा हो सके, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो 4 लाख रुपया हम लोगों ने तय कराया था कि प्रत्येक ऐसे आपदा से प्रभावित लोग हैं उन परिवारों को मिले, हमने यहाँ के स्थानीय जो कर्मचारी है जो अभी जाँच करने आए थे, हमने कहा कि इसकी कागजी प्रक्रिया को आप तुरंत पूरा करिए और पूरा करके, चूंकि काफ़ी गरीब परिवार है, उसका कोई सहारा भी नहीं है, कई लोगों के पास तो अंतिम कर्म करने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से जल्द से जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमने कर्मचारी को कहा है कि आप जल्द से जल्द रिपोर्ट बना करके अपर समाहर्ता के पास भेजिए ताकि उपायुक्त के माध्यम से इस व्यवस्था को हम लोग तुरंत पूरा करके और इस परिवार को मदद कर सके ताकि आने वाला समय में एक सहारा बन सके। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।